जय श्री कृष्णा। मानपूर्ण रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजिया सूजी और मावे से। होली में इसको बनाया जाता है, ये होली की खास मिठाई है। इसे बहुत तरीके से बनाया जाता है। मैं यहाँ पे सूजी और मावे से बनाना बता रही हूँ और इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे और बहुत ही टेस्टी गुजिया बनकर तैयार होंगे। चलिए देखते हैं हम इस इजी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम मावा, एकदम फ्रेश मावा है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है 20 से 25 बादाम, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है इस तरीके से। और 20 से 25 ही मैंने यहाँ पर काजू लिया है, इसे भी मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। और आधा कप नारियल है, ये कद्दूकस कर लिया है मैंने इसको, ओके। एंड उसके बाद 120 ग्राम मैंने यहाँ पर घी लिया है, शुद्ध देसी घी है। और चौथाई कप मैंने किशमिश ली है। बहुत ही टेस्टी बनेंगे गुजिया। और फिर मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 टेबलस्पून चिरौंजी और 2 से 3 पिंच केसर और 8 से 10 इलायची का पाउडर है। 8 से 10 इलायची ली थी, उसका मैंने इस तरीके से पाउडर बना लिया है। फिर 10 से 15 मैंने काली मिर्ची ली है, जिसका भी मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है इस तरीके का। ये मसाले हम डालेंगे तभी गुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद 500 ग्राम मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। और फिर 150 ग्राम सूजी है। तो अब हम जो मैदा है उसके अंदर घी डालेंगे और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि घी पूरी तरीके से मैदे में मिक्स हो जाए, मतलब कि इसमें मुट्ठी बननी चाहिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। इसे हम हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। मैदे में घी, इस तरीके से घी डालने को हम मोयन बोलते हैं। अगर ये मैदा अच्छे से, मैदे में अच्छे से घी डला हुआ है, ये मोयन बना हुआ है, तो इस तरीके से बाइंड होने लगता है, आप देख सकते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी है वो इसमें डालूँगी और धीरे धीरे करके इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और एक टाइट डो लगा लेंगे। और ये हमारा टाइट डो लगकर तैयार है। टाइट ही लगाना है डो। और तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी एक कढ़ाई और गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून घी और इसे गर्म होने देंगे हल्का। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 150 ग्राम सूजी, जिसे मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। हमें इसको अच्छा कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। इसमें खुशबू आने लग जाएगी जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो ये लीजिए, अब हमारी जो सूजी है अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं इसे एक अलग बाउल में निकाल लूँगी और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चीनी ली है और सूजी इसी के अंदर हम डाल देंगे। और फिर मैंने यहाँ पर लिया था 200 ग्राम मावा, उसे भी हमें रोस्ट करना है। तो गैस ऑन कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मावा। तो अब हमारा जो मावा है वो भी हमने भून लिया है। तो ये भी हम उसी बाउल में निकाल देंगे जिसमें चीनी और सूजी डाली थी हमने। इन सब का हमें मसाला बनाना है गुजिया का। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी बादाम, उसके बाद है काजू, फिर मैंने यहाँ पर ली है चिरौंजी, वो भी डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। जिस तरीके से मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ उस तरीके से आप बनाइएगा, एकदम परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होंगे आपके। और तो मैंने यहाँ पर ली है
अब किशमिश ली है, इसे भी मैं भून लूँगी साथ ही में इसी के। और अभी हमारे जब भून कर तैयार हो चुके हैं तो मैं इनको डाल दूँगी उसी बाउल में, सेम बाउल है जिसमें हमने सूजी और बाकी जो मसाला डाला है इसमें हम ये डाल देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद गरम कढ़ाई के अंदर ही मैं यहाँ पर नारियल का जो मैंने क्रश किया था, मतलब कद्दूकस से किस लिया था, वो इसी में रोस्ट कर लेंगे। गरम है, गैस को ऑन नहीं करना है, गरम ही तवे के अंदर मैं इसे भून लूँगी अच्छे से। एक मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये हमारी तैयार है, इसे ज़्यादा नहीं भूनते वरना इसमें से स्मेल आने लग जाती है, इसलिए मैंने गैस ऑन नहीं किया, गरम तवे पर ही मैंने इसे अच्छे से भून लिया था। और फिर उसी बाउल में निकाल लिया है जिसमें सभी मसाले मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ काली मिर्ची जिसको मैंने दरदरा पीस लिया था, और उसके बाद केसर है, फिर मैंने यहाँ पर डाली है इलायची, इलायची डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करना है, तो ये जो हमारा मसाला है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा आटा है जो सेट हो चुका है क्या। अगर सेट हो गया है, ऑब्वियसली सेट तो हो ही गया होगा, 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसकी पूरियां बेल लेंगे। पहले इसको हम अच्छे से मसल लेंगे, फिर हम इसकी पूरियां बेलेंगे। मैं इस तरीके से एक लोई बना लूँगी अच्छे से, हम इस तरीके से लोई बनानी है, देख सकते हैं। फिर मैं इसकी पूरियां बेल लूँगी। मेरा जो मोल्ड है इसका गुजिया का वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं लोई थोड़ी बड़ी ही ले रही हूँ। अगर आपका जो मोल्ड है साचा है वो छोटा है तो आप छोटी लोई लें, मेरा मोल्ड बड़ा है इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी ही ली है। लोई पेड़े की तरह है ये, तो अब हम इसे बेल लेंगे। और ये बीच में से पतली और किनारों से मोटी नहीं होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। हम किनारों से दबाते हुए इसे बेल लेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम एक साँचा लेंगे और गुजिया का जो साँचा होता है वो लेंगे और उसमें इस तरीके से रखेंगे कि इसमें मसाला भी अच्छे से आ जाए। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये साँचा और मैं अब इसको रखूँगी इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से रखें। तो अब मैं चम्मच की हेल्प से इस तरीके से बीच में मसाला डालूँगी, धीरे धीरे बीच में डालना है मसाला। और उसके बाद मैं यहाँ पर किनारों पर पानी लगा दूँगी, आप देख सकते हैं किनारों पर पानी लगाना है हमें। और इस तरीके से अब मैं इसको बंद कर दूँगी, इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा को निकाल लीजिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा शेप है, आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा है, आप चाहे उस छोटा भी ले सकते हैं गुजिया का जो मोल्ड है, मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा ही लिया है। तो अब हम बाकी बचे हुए आटे से इस तरीके से लोई बनाकर बेल लेंगे और इस तरीके से हम मोल्ड पर डालकर बीच में मसाला डालेंगे और किनारों पर पानी लगाएंगे। और पानी लगाकर इसे हम बंद कर देंगे, बंद करने के बाद हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल लेंगे। तो बाकी बचे हुए सारे आटे से भी हम इस तरीके से गुजिया बनाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो अब एक कढ़ाई में हम लेंगे घी और गैस ऑन कर देंगे। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, इसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि घी का मीडियम गर्म होना चाहिए,
घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म है। तो अब हम धीरे धीरे कुचिया डाल देंगे, जितने कढ़ाई के अंदर आ जाए उतने कुचिया डाल देंगे हम। और हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है, मतलब तलना है। और हम इसकी हेल्प से, चम्मच की हेल्प से उल्टा कर देंगे, क्योंकि एक साइड से सिक जाएंगे तो दूसरी साइड से हमें सेकना होता है। तो हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है और घी भी हमें मीडियम ही रखना है, मीडियम गर्म ही रखना है। तो ये हमारे अच्छे से सिक गए, आप देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से दूसरी साइड में और सेक लेंगे। थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से हम इस तरीके से हिला भी लेंगे, इसको चला लेंगे ये गुजिया को। तो ये हमारी गुजिया आप देख सकते हैं बनकर तैयार है, एकदम अच्छे गोल्डन ब्राउन। और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और इसी तरीके से बाकी बचे हुए सारे गुजिया को भी हम तल लेंगे अच्छे से, पर हमें गैस को मीडियम ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें, तभी हमारे गुजिया अच्छे से सिकेंगे, अदरवाइज ये कच्चे रह जाएंगे। तो ये लीजिए, अब हमारे गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। गार्निश के लिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी है सूखी। तो देखा आपने, मार्केट जैसी गुजिया घर पर बनाना कितना आसान है, देख सकते हैं। और होली के दिन बनाएं, बहुत ही अच्छी लगती है, ये होली की खास मिठाई है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की बहुत ही टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।